ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देखते जो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखो क्या किया, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड वाला बना दिया हमने इस तरह से। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बना रहे हैं कि ये ऐसे होगा, ये यहाँ पर ये ऐसे होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर आइसोमटोट्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन कहती होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको रोटेट करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज रोटेशन करने वाले हैं। तो इसको मैंने ओल्ड बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, ओल्ड बोल दिया, दोनों ओल्ड ही होगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो इसको मैं कैसे रोटेट करा रहा हूँ, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रोटेट करा रहा हूँ। अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो हमने इसके में क्या किया, 45 डिग्री हमने रोटेट करा दिया। कौन से डायरेक्शन में रोटेट कराया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। ठीक है, जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तुम इसको रोटेट कराओगे तो डायग्राम कुछ देखो इस तरह से आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे कुछ बन जाएगा। ओके, क्या किया हमने, इसको रोटेट किया है तो यहाँ पर ये फिगर इस तरह से आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। आर एस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखते जाओ। देखो जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, वाई एन बन जाएगा। ठीक, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्स एन बन जाएगा। आर एस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब तुम इसको 45 डिग्री घुमाओगे तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो इस डायग्राम में, जिस डायग्राम में मैंने इसको रोटेट करा दिया है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए पूरा वाई एन है और ये मेरे लिए यहाँ पर क्या है, एक्स एन है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं आइसोमटोट्स को क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, आइसोमटोट्स को मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, इस तरह से इसको रोटेट करा दिया। ठीक है, अब इस डायग्राम को तुम क्या करो, थोड़ा सही से लिख लो, क्योंकि अगर यहाँ पर ये एक्स है इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सही से बना लिया, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। बेसिकली रोटेशन तो क्लॉकवाइज ही हुआ है। ठीक है, तुम ये मत समझना, तुम देखो अगर तुम ये वाले डायग्राम को देखते हो फर्स्ट और डायरेक्टली तुम थर्ड को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि रोटेशन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। नहीं, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ है, यहाँ पर रोटेशन तो क्लॉकवाइज ही हुआ है, पर हमने क्या किया, इस डायग्राम को थोड़ा सीधा बना दिया। मतलब ये जो दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने क्या किया, ऊपर ले गए। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। आइसोमटोट्स क्या हो जाएंगे इस समय, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा। तो मैं दिख रहा है, देखो ये जो दिख रहा है आइसोमटोट्स, ये क्या है, ये आइसोमटोट्स ही हैं इसके, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसके आइसोमटोट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी अब, ये ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका टी ए हो जाएगा। और ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अगर तुम बनाना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, आइसोमटोट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। और इसकी इक्वेशन कैसे आती है, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको याद कर लिया, सी स्क्वायर क्या है, कुछ ऐसे ही लिखा है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखते हैं वैसे यहाँ पर क्या किया, सी स्क्वायर लिख दिया। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम इसमें लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, ठीक है, थ्रो एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड यहां पर क्या बोल सकते हैं, आइसोमटोट्स, ठीक है, फॉर एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। ठीक है, आइसोमटोट फॉर दिस हाइपरबोला इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हमने जानबूझ के इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 45 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। जैसे इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि टेंजेंट कैसे बनाते हैं, नॉर्मल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए पढ़ा था, वैसे ही एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, चलो अब थोड़ा सा नोट ले लेते हैं और तुम याद रख लो कि डायग्राम कैसे है। ये जो थर्ड वाला जो लिखा है ना पॉइंट, डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया और फिर से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नोट, ठीक है, वन लिख रहे हैं। क्या किया इस डायग्राम को मैंने, चलो फिर से बना दिया। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक तो ऐसे हो गया ये, ठीक है, एक तो इस तरह से हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके लिए टी ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए सी ए। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया।
TA की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। CA की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब सब कुछ चेंज हो गया, जो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या बन गया, आइसोमटोट्स जैसा हो गया है, मतलब आइसोमटोट्स के पास चला गया, और जो पहले आइसोमटोट्स था वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास चला गया है, ठीक है। इस तरह से कुछ डायग्राम बन गया, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये बना कहाँ से है, ये बना तो इधर से ही है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर से ही तो बना है। अगर ये इधर से ही बना है, इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि ए और सी में कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है, ए और सी में कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए। और मुझे बताओ कि कोई भी पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन पे, देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x है, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा, और c कॉमा c कहाँ होगा मुझे बताओ, c कॉमा c में बोल सकता हूँ यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा c कॉमा c, तुम रख के देख लो x और y को, तुम जहाँ पर रख के देखोगे कौन सा वाला, यहाँ पर ये रख के देखोगे c कॉमा c तो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा है c कॉमा c लिखा है, तो c और c रखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर, सही हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया, c हो गया, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट सी हो गया, मतलब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर रूट टू सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। देखो ये वाला, ये यहाँ पर क्या है, ये सी कॉमा सी है, तो सीधी सी बात है कि ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, तो ये यहाँ पर ये रूट टू सी तो होना ही है। किसकी डिस्टेंस निकाला है मैंने, मैंने बोला ये हाइपरबोला की डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, तो ये कितना हो गया रूट टू सी हो गया। और अगर मैं ये वाले हाइपरबोला के लिए देखता हूँ, तो ये वाला हाइपरबोला इस तरह से बनता है, ये वाला इस तरह से बनता है, इसके लिए यहाँ पर ये क्या है, ये टीए है, और ये यहाँ पर क्या है, ये सीए है। तो सीधी सी बात है, भले यहाँ पर मैंने रोटेशन कर दिया हो, ओरिजिन से जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने रूट टू सी जो क्या निकाला है, ये ओरिजिन से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस निकाला है, तो वर्टेक्स ओरिजिन से ये जो वर्टेक्स की डिस्टेंस है वो थोड़ी ना चेंज हो सकती है, वो तो सेम ही रहेगी भले तुमने रोटेट कर दिया हो इसको, ठीक है। तो इस केस में तो देखो, ये वाले केस में तो यहाँ पर ये कितना होता है, ए कॉमा जीरो होता है, मतलब इस केस में यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, ए होती है। मतलब अगर यहाँ पर डिस्टेंस ए है और तुमने इसको रोटेट भी करा दिया, तो भी यहाँ पर ए ही रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो कितना आ रहा था, रूट टू सी आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये है, ऐसे लिख लो सबसे पहले तो, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स From center will remain same even after rotation, ठीक है। तो जैसे पहले इस वाले के लिए यहाँ पर कितना आ गया, इस वाले के लिए यहाँ पर रूट टू सी आ गया, और इस वाले के लिए यहाँ पर कितना a, तो ये इसका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाय रूट टू हो गया। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, c की जगह तुम ये रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू, ऐसे आ सकता है ये चीज। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिलेशन तुम्हें, तुम जान लो यहाँ पर कितना होता है, सी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू होता है। पर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या जो भी इसके लिए पढ़ेंगे, हम सी स्क्वायर लेके ही चलेंगे इसको। मतलब नया टर्म यहाँ पर डिनोट कर दिया, डेट इज सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय टू को हमने बोल दिया सी स्क्वायर, क्योंकि बार बार मैं नहीं चाहता यहाँ पर बाय टू लिखूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कैसे आया, तो उसके लिए भी तुम देख सकते हो। देखो जैसे हमने पढ़ रखा था, लोकस में हमने पढ़ा था रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसको रोटेट कराते थे, उसके लिए हमने कुछ इक्वेशन लिख रखा था। जैसे मैंने क्या लिखा था, जैसे ऐसे कुछ था एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, यहाँ पर एक्स एन वाई एन लिखा था, ठीक है, ऐसे कुछ था यहाँ पर। मैंने बोला था इसको कैसे फिलअप करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा जो भी रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर था, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होगी वो तो किस में होगी, ओल्ड में होगी, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको न्यू में कन्वर्ट करना है। और रोटेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 डिग्री से यहाँ पर टर्न हो रहा है, ठीक है, और जो कि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं थीटा को क्या ले लूंगा, माइनस पाई बाई फोर। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता तब तो मैं यहाँ पर प्लस पाई बाई फोर ले लेता, पर यहाँ पर ये क्या है क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया माइनस पाई बाई फोर लिख लिया, ठीक है। फिर तुम क्या करो, इस पर्टिकुलर टेबल से तुम एक्स नॉट निकालो, मैंने तुम्हें बताया था, सिखाया था कैसे निकालते हो, ठीक है। ऐसे लिखोगे एक्स नॉट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स एन हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू वाई एन हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था तुम्हें, देखो टेबल में देखो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे,
ऐसा आ जाएगा। वैसे यहाँ से y नॉट कैसे लिख लोगे, y नॉट हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू एक्स एन प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा वाई एन हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसकी वैल्यू डाल दो, यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा कॉस माइनस पाई बाई फोर, कॉस माइनस पाई बाई फोर तो कॉस पाई बाई फोर ही होता है जो कि कितना आ जाएगा वन बाई रूट टू आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स एन बाय रूट टू आ गया। ठीक है, साइन यहाँ पर साइन ये जो होगा जब तुम इसमें साइन थीटा में यहाँ पर माइनस पाई बाई फोर रखोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एन बाय रूट टू आ गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, सेम चीज अगेन साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स एन बाय रूट टू हो जाएगा, कॉस थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा वाई एन बाय रूट टू हो जाएगा। अब तुम क्या करो, एक्स नॉट की वैल्यू जो मिली है मुझे और वाई नॉट की वैल्यू जो मिली है तुम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया इसको ऐसे डाल दिया एक्स एन। अच्छा, ये जो वाई नॉट और एक्स एन लिखते हैं ये तो हम लोग क्या करते हैं अपने लिए लिख रहे हैं, राइट। फाइनली जाके तो तुम क्या कर लेना उसको एक्स और वाई लिख लेना, वो तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखते हैं कि यहाँ पर ये ओल्ड है ये न्यू है। फाइनली इक्वेशन में तो तुम क्या कर सकते हो एक्स और वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो उसको बना लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया इसका रूट टू हो गया, ठीक है इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स एन हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा वाई एन, ठीक है इसका स्क्वायर नीचे यहाँ पर क्या लिखा है रूट टू दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया। इसको जब तुम ओपन करोगे तो तुम देख सकते हो पहले तो यहाँ पर रूट टू और रूट टू जो स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर बाय टू बाहर आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम देखोगे एक्स स्क्वायर का टर्म कटेगा वाई स्क्वायर का टर्म कटेगा, बस एक ये जो टर्म है फोर एक्स एन वाई एन यही रह जाएगा, बस ओपन करके देख लो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म कटेगा वाई स्क्वायर का टर्म कटेगा। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट से यहाँ पर क्या आएगा टू एक्स एन वाई एन आएगा, दूसरे वाले से यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस होके वो प्लस हो जाएगा तो वो भी एडअप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो तुम देख लो यहाँ से ये काटा, यहाँ पर ये टू आ गया, अब तुम क्या करो टू को डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू आ गया। यही तो इक्वेशन आई थी यहाँ पर, देखो चेक करो। ठीक है, दैट इज एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसी ए स्क्वायर बाय टू को हमने क्या बोल दिया सी स्क्वायर बोल दिया, तो इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये आ चुका है एक्स एन वाई एन, उसको मैंने क्या लिख दिया फिर से एक्स और वाई लिख दिया दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए नोट वन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं नोट टू। ठीक है, नोट टू में मैंने यहाँ पर देखो क्या बताया, जैसे तुम एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जैसे ये स्टैंडर्ड वाला बना लिया पहले, तो एक ऐसे बना लिया एक ऐसे बना लिया। ठीक है, यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है ए कॉमा जीरो होता है, फोकस यहाँ से क्या होता है ये होता है रूट टू ए कॉमा जीरो होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से भी बना रहा हूँ इसको तो डिस्टेंसेस तो मेंटेन ही रहेगी सेंटर से, ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये वाला क्या होगा ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप क्या कर रहे हैं? तो जो डिस्टेंस यहाँ से ये ए थी तो वही डिस्टेंस यहाँ से भी ये ए होगी। आ रहा है समझ में आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, और जो डिस्टेंस यहाँ सेंटर से फोकस की रूट टू ए है तो यहाँ से भी सेंटर से यहाँ पर ये जो कोई फोकस होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना हो जाएगा रूट टू ए ही तो होगा ये। आ रहा है समझ में आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाली इक्वेशन की लाइन क्या होगी ऐसे हो जाएगा, मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू x का एक स्पेशलिटी ये है कि समझो, देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई डिस्टेंसेस यहाँ से ऐसे है रूट टू अल्फा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तुम क्या करो, ये अगर रूट टू अल्फा है मतलब ये अल्फा है ये अल्फा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अल्फा कॉमा अल्फा हो गए। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मतलब तुम यहाँ ये देख सकते हो कि अगर सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूँ कुछ भी अगर डिस्टेंस बोलता तो तुम यहाँ इसको क्या करो रूट टू से डिवाइड करो। ठीक है, और रूट टू से तुम अगर तुम डिवाइड करोगे तो वही क्या हो जाएगा उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो बेसिकली सेम ही रहेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर ये ए है, ठीक है किसके लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ वर्टेक्स के लिए बोल रहा हूँ, देखो डायग्राम में देखो जरा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, अगर ये a है तो क्या करोगे तुम रूट टू से डिवाइड करो तो यहाँ पर हो जाएगा a बाय रूट टू हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा a बाय रूट टू हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, और अभी तक हमें यहाँ पर क्या पता चल गया था दैट इज a इज इक्वल्स टू रूट टू सी, ये हमें पता चल गया था। तो तुम क्या करो a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो सीधी सी बात है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है इस तरह से ये जो वर्टेक्स आया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा c कॉमा c में, जो हमने अभी नोट वन में लिखा था।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ से फोकस की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से लेके फोकस वन की डिस्टेंस अगर यहाँ पर रूट टू ए है, तो सीधी सी बात है कि तुम क्या करो, रूट टू से डिवाइड करो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए कॉमा ए हो जाएंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा ए हो गए, तो इन टर्म्स ऑफ सी यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट टू सी कॉमा रूट टू सी हो जाएगा। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, सब कुछ ही निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आगे वाला फोकस निकाला, पीछे वाला फोकस भी निकाल लो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो। जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर यही तो होगा डायरेक्ट्रिक्स, इस तरह से जैसे यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है, वैसे डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, मतलब अगर तुम देख सकते हो, देखो ये वाली जो इक्वेशन है कितनी होती है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस लैम्डा ही तो होगा, पैरेलल तो होगा एक पर्टिकुलर इस कॉन्जुगेट एक्सिस के, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस ही है ये क्या, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये यहाँ पर क्या, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। बस तुमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इसका ये फुट निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से पता है, देखो ये वाले नॉर्मल हाइपरबोला में देखो, ठीक है, ओरिजिन से, ओरिजिन बोल दो या चलो सेंटर बोल दो, सेंटर से एफ वन की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, ए बाई ई होता है, राइट, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस बोल रहे, देखो ये वाले डायग्राम में देखो, ये ए बाई ई होता है, ठीक है। तो ए बाई ई का मतलब क्या हो गया, ए बाय रूट टू हो गया, ई यहाँ पर दोनों के लिए रूट टू ही तो रहेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर चल रहा है ये, ठीक है। अगर ये ए बाय रूट टू डिस्टेंस आ गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, क्या बताया था मैंने, रूट टू से डिवाइड करो। जब तुम रूट टू से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ए बाय टू कॉमा ए बाय टू आ गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ए बाय टू आ गया, तो तुमने यहाँ पर क्या किया, ए की जगह यहाँ पर रूट टू सी डाला, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा सी बाय रूट टू, और ये हो जाएगा यहाँ से सी बाय रूट टू। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालना है, तो तुमने क्या किया, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस लैम्डा पे तुमने फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाय रूट टू, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा सी बाय रूट टू, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, रूट टू सी आ गया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बन गई, ऐसे बन गई, हो जाएगी वाई इज इक्वल्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट टू सी, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। वैसे तुम क्या कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओके। तो अब हमने क्या किया, इसको मिटा के फिर से अच्छे से लिख दिया, इसको क्या क्या हमें पता चला यहाँ पर, एक तो इस तरह से बनाया है, ठीक है, नोट टू के अंदर ही चल रहा है, एक ऐसे बना लिया, ठीक है, एक ऐसे बना लिया, ओके। यहाँ पर ये क्या होगा, ये टी ए होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर सी ए होगा, और कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यहाँ पर क्या है, आइसोमटोट्स है ही, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, टी ए है, ये सी ए है, ये क्या है, ये आइसोमटोट्स हैं, ठीक है, ये भी आइसोमटोट्स हैं, और ये भी वाला क्या है, आइसोमटोट्स हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है, ये कितना होता है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। इस पूरी की इक्वेशन कितनी होती है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लिखा है, ओरिजिन दैट इज सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना होता है, ए बाय रूट टू हो गया था, और यहाँ से क्या हो गया था, ए बाय रूट टू हो गया था। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम इन टर्म्स ऑफ सी डाल दो, हमें पता है ए कितना है, रूट टू सी है, तो यहाँ पर तुम रूट टू सी डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी कॉमा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सी कॉमा सी हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फोकस वन कितना हो गया था, फोकस वन इस तरह से रूट टू ए डिस्टेंस था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, रूट टू ए है, ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिस्टेंस को तुम रूट टू से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉमा ए आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फोकस कितना हो गया, रूट टू सी कॉमा रूट टू सी हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रूट टू सी कॉमा रूट टू सी। फिर से बना लो इस सबको पूरे को अच्छे से, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, अच्छा अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहते हो उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी कॉमा माइनस सी, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर से ये फोकस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू रूट सी हो जाएगा, और माइनस टू रूट टू सी हो जाएगा। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऐसे कुछ आया था, रूट टू सी आया था इस तरह से। आई होप समझ में आता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गया, अगर तुम ये वाला डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहोगे तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम ऐसी हो जाएगा x प्लस वाई, बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टू रूट सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे, हमें पता है कि a बाई ई होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है, a बाई ई, दैट इज a बाई रूट टू होता है। फिर तुमने क्या किया, उसको रूट टू से डिवाइड किया, तो a बाई टू आ गया, ये कितना आ गया, a बाई टू आ गया। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, अब तुम क्या करो, इसको a की जगह रूट टू सी डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाय रूट टू हो गया, और ये कितना हो जाएगा, c बाय रूट टू।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया, सी बाय रूट टू, और ये भी कितना देगा, सी बाय रूट टू। वैसे तो अगर तुम्हें ये वाला लिखना है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये कितना जाएगा, माइनस सी बाय रूट टू, और ये जाएगा यहाँ से माइनस सी बाय रूट टू। ठीक है, इनफ बात कर ली हमने इस बारे में, आई गेस तुम्हें अब समझ में आता है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नोट टू के अंदर, हमने इसको स्टडी कर लिया अच्छे से, इस तरह से होता है, ओके फाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नोट थ्री।